ममता बनर्जी की पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच चुकी है। टीएमसी सरकार के बड़े मंत्री और ममता बनर्जी के बाद पार्टी के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार कड़े तेवर फिर दिखाते हुए, माना यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के कड़े तेवरों की वजह से टीएमसी में बिखराव का सिलसिला काफी तेज हो जाएगा। पिछले कुछ समय से बागी रुख अपना चुके शुभेंदु अधिकारी ने एक तरह से ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचे हैं और किसी ने उनका चयन नहीं किया है और न ही नामित किया गया, बल्कि वे एक चुने हुए नेता हैं। ममता बनर्जी से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल से दूरी बनाकर चल रहे हैं। वे कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने अधिकारी को मनाने के लिए प्रशांत किशोर को भेजा था, लेकिन प्रशांत किशोर के जाने से कोई बात बनी नहीं। अधिकारी के ताजा तेवर तो इसी बात के संकेत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का यह बयान कि मैं निर्वाचित नेता हूं, चयनित या नामित नहीं, टीएमसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को ये रास नहीं आया। पार्टी में बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनका ये बयान तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता और सांसद को लक्षित था। शुभेंदु अधिकारी राज्य के मिदनापुर और जनजातीय क्षेत्रों जंगल महल में तृणमूल के सबसे बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और वह दूसरों की तरह चयनित या नामित नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कड़ी मेहनत से ऊंचाई तक पहुंचा हूं, मैं निर्वाचित हूं, मैं चयनित या नामित नहीं हूं। इसके पहले एक जनसभा में नियामत शेख ने कहा कि क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति सीखने की जरूरत है? यदि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को झटका लगता है तो इसके लिए सिर्फ प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार होंगे। जिस अंदाज में नियामत शेख ने पीके के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे साफ है कि पार्टी अपने विधायकों की सुन नहीं रही है और मामला काफी आगे बढ़ गया है। कूच बिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी पहले ही अपना गुस्सा खुलकर जता चुके हैं। गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि क्या तृणमूल कांग्रेस सचमुच ममता बनर्जी की पार्टी है? ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में ये खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। विधायक बेचाराम मन्ना इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों को पिछले महीने ही छोड़ चुके विधायक मिहिर गोस्वामी ने कहा, 1989 से ही तमाम विपरीत परिस्थितियों और तकलीफों का सामना करने के बावजूद टीएमसी को कभी नहीं छोड़ा, ऐसा केवल ममता की वजह से किया, लेकिन अब पार्टी बदल गई है, आप जी हुजूरी कीजिए या फिर पार्टी छोड़ दीजिए। एक अन्य विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया ने गोस्वामी की बातों का समर्थन किया। इसी तरह मुर्शिदाबाद के हरिहर पारा के टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक रैली में सीधा प्रशांत किशोर को टारगेट किया। शेख ने कहा कि सभी परेशानियों की वजह प्रशांत किशोर हैं।